आज भगवान कृष्ण की जन्मदिन है और जन्माष्टमी के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन से हम पांच चीज़ें सीख सकते हैं। अगर हर लोग ये पांच चीज़ें सीखे और अपने जीवन में अमल करे तो वो अपने जीवन की कोई भी समस्याओं को बहुत आसानी से समाधान कर सकते हैं। पहली चीज़ हम भगवान कृष्ण के जीवन से सीख सकते हैं वह है कि भगवान कृष्ण के जीवन को आप देखेंगे तो उन्होंने बचपन से लेकर और उनके अंतिम दिन तक उन्होंने हमेशा मुस्कुराया है। चाहे परिस्थिति जो कुछ भी हो, उन्होंने हमेशा मुस्कुराया है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने हमेशा मुस्कुराया है। मुस्कुराते हुए वो हर समस्याओं का समाधान उन्होंने निकाला और बताया लोगों को। तो आप भी अपने जीवन में हमेशा, चाहे जितनी भी कठिन समस्याएं क्यों ना हो आपके जीवन में, आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। तो ये एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, ये उन्होंने अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराता रहा। दूसरी चीज़ भगवान कृष्ण के जीवन से आप सीख सकते हैं वह यह है कि उन्होंने अपने जीवन में त्याग भी किया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी त्याग किया, यहाँ तक कि अपने प्रेमिका को उन्होंने त्याग दिया। किसके लिए? समाज के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। अपने खुद की स्वार्थ के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, समाज के कल्याण के बारे में सोचा और उसके लिए उनको जो कुछ भी करना पड़ा वो उन्होंने किया। तो उन्होंने त्याग किया है अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें। ठीक इसी प्रकार से आप अपने बारे में ना सोचकर, समाज के कल्याण, लोगों के कल्याण के बारे में सोचकर, अगर अपनी कोई बहुत खास चीज़ को आप त्याग भी देते हैं तो आप भी भगवान कृष्ण की तरह आप मजबूत, और ये कला आप में आ जाएगी तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण ने त्याग किया है और लोगों को सिखाया है कि हमें त्याग भी करना है समाज के कल्याण के लिए। तो अब आपको मैं तीसरी बात बताने वाला हूँ कि भगवान कृष्ण के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं और उसे अपने जीवन में अमल हमें करना चाहिए। वह यह है कि उन्होंने कभी भी किसी को ऊंच नीच नहीं देखा है। भगवान कृष्ण ने सबको समदृष्टि देखा है, समभाव से देखा है। उनके दोस्त थे सुदामा, जो बहुत गरीब थे, फिर भी सुदामा जब उनके वहाँ पे आते हैं, जब वो राजा बन गए थे तो भी उनका पैर को पानी से धुलाई करते हैं और सुदामा को गले लगाते हैं, जो कि वो बहुत, सुदामा गरीब है, बीमारी से ग्रस्त है, फिर भी उनको गले लगाते हैं। तो उन्होंने दोस्ती दिखाया कि दोस्ती में कोई गरीबी और अमीरी नहीं होता है, और वो जिसके पास होते थे उसके जैसे बन जाते थे, आई मीन फ्लैक्सीबिलिटी। तो यहाँ से हम यही सीख सकते हैं कि समभाव और समदृष्टि लोगों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, सब के प्रति रखना चाहिए। और चौथी चीज़ भगवान कृष्ण की ज़िंदगी से आप सीख सकते हैं, उन्होंने समझाने की कोशिश, जब उनके जीवन में ऐसी समस्या आया कि उन किसी को समझाना है तो उन्होंने समझाया, बार बार समझाया, बार बार समझाया, लेकिन समझाने के बाद भी अगर नहीं समझा तो उन्होंने युद्ध किया है। तो आपके जीवन में भी अगर आपके दोस्त है और आपके कोई भी आपके जीवन में है जो कि आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, आपको हार्म कर रहा है, आपको हानि पहुंचा रहा है, लेकिन आप बार बार समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, लेकिन तब भी वो समझने के लिए नहीं मान रहा है, तो आपको अंत में उसके साथ भी युद्ध करना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा आपको। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था, दुर्योधन तुम युद्ध मत करो, थोड़े से ज़मीन दे दो, बस थोड़े से उनको ज़मीन दे दो पांडवों को रहने के लिए। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि थोड़ी सी भी नहीं दूंगा, एक इंच भी ज़मीन नहीं दूंगा। बार बार समझाने के बावजूद भी भगवान कृष्ण ने कोशिश किया लेकिन समझा नहीं, अंत में कहा कि ठीक है तब युद्ध करो। तो इस तरीक़े से आप उनके जीवन से ये चीज़ें सीख सकते हैं भगवान कृष्ण के जीवन। तो पाँचवीं चीज़ हम भगवान कृष्ण के जीवन से सीख सकते हैं वह यह है कि उन्होंने पूरी जीवन भर, आप देख सकते हैं उनकी जीवन लीला में, उन्होंने लीला किया है, रास लीला किया है, उत्सव किया है, हमेशा नाचा है उन्होंने। तो गोपियों के साथ उन्होंने रास लीला किया है। तो आप अपने जीवन में हमेशा सेलिब्रेट कीजिए, जो भी क्षण मिले सेलिब्रेशन का उसे सेलिब्रेट कीजिए, उत्सव कीजिए। आप भी नाचिए, गाइए। कृष्ण की बांसुरी क्या इंडिकेट कर रहे, हमारी जीवन बांसुरी ही है,
योर लाइफ इज़ अ फ्लूट, एक बांसुरी है। तो उन्होंने हमेशा बांसुरी बजाया, हमेशा उन्होंने रास लीला किया, हमेशा उन्होंने मस्त रहा। तो आप भी अपने जीवन में, आपकी जीवन ही बांसुरी है, हमेशा सेलिब्रेट कीजिए, लीला कीजिए भगवान कृष्ण की तरह। ये पांच चीज़ें अगर आप अपने जीवन में अर्जन करते हैं और इस पर खड़े उतरते हैं, तो आप चाहे जिस भी परिस्थिति में हैं, जहाँ पर भी है, आप देखेंगे आपकी चित्त की शुद्धि होने लगेगी, आप ऊपर की ओर उठने लगेंगे, आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ने लगेंगे और जीवन एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी बन जाएगा। ये भगवान कृष्ण की पांच चीज़ें आपको जीवन को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। ठीक है, नमस्कार।